संजय चड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है आपको इस तरीके से रोजगार बढ़ेगा जिस तरीके से ये फॉर्मूला बताया जा रहा है और क्रिप्टो करेंसी इनकम पर 30% टैक्स, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए बिल्कुल आ रही है। देखिए क्रिप्टो करेंसी को निश्चित तौर पर ये इस तरह का प्रोविजन लगाने से बार करने का प्रयास किया गया है कि जो ये बिटकॉइन और इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ अगर मैं दूसरा उसमें जो ब्लॉकचेन के आधार पर जो नया करेंसी आरबीआई को निर्देशित किया है लाने के लिए, वो एक अपने आप में बड़ा रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया है। और उससे देखिए सबसे बड़ी जो है जो पूरा जनमानस है उसको सबसे बड़ा जो लाभ ये होगा कि बीच से जो मिडल मैन है जहां पे चार्जेस लगते थे, बैंक का पेटीएम के चार्जेस या जो भी चार्जेस लगते थे, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, वो सब हट जाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य एक कदम है। और आपको ये नहीं भूलना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरे विश्व में आज जो ये हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लास्टिक करेंसी जिसे हम लोग कहते हैं उसकी ओर पूरा विश्व बढ़ रहा है। तो हम लोग पीछे अपने आप को नहीं रख सकते। एक और बात मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा जो बहुत अहम मुझे लगती है, क्योंकि लॉयर हूं तो ये बताना अवश्य चाहूंगा कि तो एक सबसे बड़ा बेहतरीन चीज इस बजट में बात कही कि 1000 से ज्यादा कानूनों को हटाया है, रिपील किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा जो कई पिछले एक दशक से भारत के आगे बढ़ने में बहुत अब हमें मदद करेगा, वो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना होना। देखिए जो भी कोई विदेश से आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने, वो चाहता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, नंबर वन, कोई भी डिस्प्यूट हो वो जल्दी से निपटारा हो जाए और सस्ते पैसे खर्च होने से निपटारा हो जाए। चलिए आऊंगा आपके पास संजय जी, काफी इन्फॉर्मेटिव आपका रिएक्शन था बजट। संजय चड्डा जी आप रहेगा, आप कितने नंबर देते सर, कंक्लूड आपसे कर रहा हूँ बहुत संक्षेप में। मैं सर सिर्फ दो बातें कहके पहले नंबर दूंगा, जैसा आपका आदेश हुआ 5.5 का नंबर दूंगा, फर्स्ट डिविजन नहीं आई, नंबर एक। नंबर दूसरा, क्रिप्टो करेंसी का जो 30% वाली बात है, कम से कम एक शुरुआत हुई है। देखिए पहले रिकग्निशन नहीं था, अंधकार था, लोगों को अब एक आशा की किरण नजर आई, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बहुत शुक्रिया।